दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे रहस्यमय स्थान हैं जो आज भी विज्ञान के लिए पहेली बने हुए हैं। इनमें से एक रहस्यमय स्थान नॉर्थ सेंटिनल द्वीप है। यह द्वीप अपनी समुद्री खूबसूरती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों, आपका स्वागत है रहस्य एंड नेचर के इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, यह द्वीप भारत का अभिन्न अंग है। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप केंद्र शासित प्रदेश अंडोबार निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर से नजदीक होने के बावजूद आज तक इस द्वीप से संपर्क नहीं जुड़ पाया है। मानो वह कहना चाहते हैं कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए, उन्हें किसी बाहरी व्यक्ति से कोई सरोकार नहीं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस द्वीप पर कुछ ही लोग रहते हैं। जब कभी किसी बाहरी व्यक्ति ने इस द्वीप पर जाने की कोशिश की, उसे उसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी है। दोस्तों, कई बार सरकार की तरफ से कोशिश भी की गई, लेकिन द्वीप के स्थानीय निवासियों ने सरकार की मदद को ठुकरा दिया। कई बार लोगों ने यहां के स्थानीय निवासियों से संपर्क साधने की कोशिश भी की, लेकिन यहां के लोग किसी बाहरी व्यक्ति से दोस्ताना संबंध नहीं रखना चाहते। इसी वजह से यह द्वीप आज भी रहस्यमय है। इस द्वीप के लोग आदिवासियों की तरह जीवन यापन कर रहे हैं। अगर आपको इस द्वीप के बारे में नहीं पता तो आइए जानते हैं। अंडमान निकोबार के नॉर्थ सेंटिनल द्वीप में रहने वाले आदिवासी एशिया के सबसे आखिरी अनछुए आदिवासी माने जाते हैं, जो इस द्वीप पर पिछले करीब 60,000 सालों से रह रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटे सेंटिनल द्वीप पर रहने वाले आदिवासियों की संख्या 100 से भी कम है। यहाँ के रहने वाली आदिवासियों के बारे में किसी के पास कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। यहाँ के निवासी आज भी आधुनिक दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं। यहाँ कौन सी भाषा में बात की जाती है यह भी नहीं पता, इसी वजह से इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इस जगह यहीं के आदिवासियों का कानून चलता है। यहाँ सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। सरकार ने इस आइलैंड पर रहने वाले आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास भी किया, पर यहाँ पर रहने वाले लोग दूसरों से दोस्ताना व्यवहार नहीं करते। यहाँ जो भी गया उसे उसकी जान गंवानी पड़ी है। यहाँ तक कि इस आइलैंड के ऊपर से कोई प्लेन गुजरता है तो लोग उस पर तीर कमान से हमला कर देते हैं। यही वजह है कि इस आइलैंड के बारे में किसी के पास कोई ज्यादा जानकारी नहीं है और यह आइलैंड आज भी रहस्यमय है। और यहाँ पर रहने वाले लोग दूसरे बाहरी लोगों से इस तरह का बर्ताव क्यों करते हैं ये भी नहीं पता, इसलिए इस आइलैंड पर जाना मना है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।